चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट के समीप बनेर स्थान में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिस कारण वर्ना कंपनी की चंडीगढ़ नंबर की कार आग की चपेट में आने से खाक हो गई। इस कार में दो लोग सवार थे। बुधवार को दोपहर के समय बिलासपुर के ओहर से चंडीगढ़ वापस लौट रहे दोनों व्यक्ति मुकेश व हरभजन ने बताया कि इनकी कार गुब्बर पुल व स्वारघाट की चढ़ाई में बनेर के साथ पहुंची तो कार के इंजन से धुआं निकलता देखा। जैसे ही ये दोनों कार से बाहर निकले तो इंजन का बोनट उठाना चाहा, लेकिन उस वक्त कार ने भयंकर रूप ले लिया। हालांकि नेशनल हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों ने पानी बाल्टी से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दोनों व्यक्ति जिरकपुर में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। दोनों ने आग लगने से पहले अपना सामान व बैग उठा लिया था, जिसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड व पुलिस को इसकी सूचना दी। वहाँ से अपनी मीटिंग फिनिश करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में अचानक गाड़ी के अंदर धुआं दिखाई दिया। हमने जैसे ही गाड़ी बंद की, बोनट खोलने की कोशिश की, एकदम से ही आग पकड़ ली और हमने मिशन से अपने आप को बचाया। बाकी जानो माल का तो कितना नुकसान नहीं होता, गाड़ी में काफी लॉस हो गए। हम वहाँ से रवाना हो गए और यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हम जितना जल्दी हो सके जल्दी पहुँचे और अपना काम किया, आग पर काबू पाया।